अच्छा, चलिए जुड़ी हैं, अच्छी बात है। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह जो भी करेंट न्यूज़ है शेयर कर रहे हैं। जी तो चूंकि भविष्य की चीज़ें हम बताते हैं तो तुरंत नहीं दिखेंगी, जब होगा तब दिखेंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्ते सर, आप केसरी सर बोल रहे हैं? हाँ, कौन? सर हम शिक्षा मित्र बोल रहे हैं, जो आप मैसेज डाले हैं टेट पास वालों का, क्या है इसमें कुछ लाभ वो मिलेगा टेट पास वालों को? लाभ की बात कहाँ से आती है? आप शिक्षा मित्र हैं, जी सरकार ने ये योजना शुरू किया, आपने उसमें आवेदन किया, आपकी नियुक्ति हो गई और आप जो गवर्नमेंट कह रही है वो कर रही है, उसके बदले आपको पेमेंट मिल रहा है जी कि ये 10,000 रुपये का आपको लाभ मिल रहा है। नहीं लाभ नहीं सर, तो जैसे कह रहे जो आप इसको लाभ के नज़र टेट से फिर पास कहाँ? वाला, आप जो टेट पास का मैसेज डाले हैं उसमें कह रहे हैं क्या टेट पास वालों को लाभ मिलेगा? फिर आपने लाभ शब्द यूज किया, शब्दों से अर्थ बदल जाता है। वही हम आपको समझा रहे हैं तो आप जो है फिर उसी चीज को रिपीट कर रही हैं। पहली बात नहीं नहीं तो तो फिर नहीं, अभी कहाँ मिल रहा है, मतलब क्या तो आगे भविष्य में? ये जानकारी कीजिए कि टेट वालों के जी लिए क्या आगे क्या क्या रास्ते हैं, क्या कर रही है जी गवर्नमेंट, वही कौन वही कौन सी बताइए वही योजनाएं हैं, सर। उसको आपने जी पढ़ा पूरा जी अच्छे से? वो तो हम पढ़े सर, तो वही पढ़ी तभी तो हैं हम कॉल किए। जी अभी इसके पहले हमने जो है न्यूज डाला था 2-3 दिन लगातार कि 2,86,000 कमरे बनने थे, 2,80,000 बन चुके हैं, 6,000 और बन रहे हैं, उसके लिए 4-4 लाख दिया गया, वो देखा आपने? नहीं सर, इसको तुम नहीं देखे थे। हाँ, क्योंकि आपकी नज़र सिर्फ है कि भैया हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ करे तो हम वही देखेंगे और बाकी चीज़ें नहीं नहीं देखेंगे। सर, ऐसी बात नहीं है, कुछ कर ही नहीं रही, इसलिए थोड़ा अजीब हो जा रहा है ना क्या कहा आपने, फिर से धीरे कहिए धीरे। क्या कहा आपने? अरे सर, जैसे कह रहे हैं कि सर जैसे कुछ कोई चीज पे ध्यान ही नहीं दे रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कौन समझ ध्यान नहीं नहीं दे आता रहा है? कुछ। जैसे कौन ध्यान नहीं दे रहा? सरकार ही कहाँ कुछ कर रही, इतना दिन से आज 6 साल हो गए निरस्त हुए। आप शिक्षा मित्र हैं, वो जी स्कूल जिसमें आप हैं वो आप चला रही हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, वो नहीं आप स्कूल चला रही नहीं हैं, वो अरे पैसा सारा सर फंड आप देती हैं। जी, आप अजीब तरीके से बात कर रही हैं, अरे नहीं सरकार कुछ कर सर, ही नहीं रही है। अरे हम लोग अपने लोगों के पूरा बारे में पूरा हम कह रहे हैं सर। आप पहले बात करना प्रॉपर, जो है वो प्रॉपर तरीके से बात कीजिए। एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके सरकार कुछ नहीं करती है, वो अपना काम करती है, उसके जो है जो भी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत जो आता है वो काम करता है, उसको पेमेंट मिलता है। अगर स्कूल नहीं रहेगा तो क्या जो सहायक अध्यापक बनते हैं क्या वो बनेंगे? वो तो है ही है सर, नहीं तो फिर वो उनके तो लिए थोड़े सर, वो सरकार स्कूल खोली है, स्कूल किसके लिए खुला है? वो तो है ही है सर, सही है स्कूल जिसमें कोई। आप पढ़ा रही हैं वो स्कूल शिक्षा मित्र के लिए खुला है, सहायक अध्यापक के लिए खुला है या अरे वो बच्चों तो की पढ़ाई सबके के लिए? लिए है सर, बच्चों पढ़ाई के लिए है। अभी आपने कहा सबके लिए है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, दो में से एक चीज बताइए ना क्या है? नहीं वो तो बच्चों पढ़ाई के लिए ही तो स्कूल बना स्कूल? हाँ, है, तो स्कूल होते किस लिए हैं, नौकरी अरे देने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए? पहला क्या उद्देश्य होता है? वो तो स्कूल खुलते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना? जी स्कूल कॉलेज जितने भी खुलते हैं पढ़ाई के उद्देश्य से खुलते हैं। अब वो काम करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, इसलिए नौकरियां दी जाती हैं। बाकी आप जिंदा रहिए, मर जाइए, खाइए पीजिए, बीमार रहिए, तो स्वस्थ रहिए, इससे सरकार का कोई कोई डायरेक्ट मतलब लेना नहीं। देना नहीं है। पैदा किया माँ जी बाप ने है, वो चिंता कितना कर जी रहे हैं आपका, हर महीने आपके माँ बाप आपको कितना दे रहे हैं, 10,000 20,000 30,000 क्या देते हैं? देते हैं नहीं देते हैं? वो जब तो आप है, छोटी थी तो आपका सारा ख्याल रख रहे थे, आप बड़ी हो गई तो माँ बाप ने ठुकरा दिया, भैया जाओ अपना तुम खुद देखो। तो जब जिसने पैदा किया वो नहीं दे रहा कुछ कर रहा, अब हद है आप लोग। हाँ, अब आते हैं पॉइंट पर जो आपने पूछा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी चीजें हो रही हैं, राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय नीति पढ़िए, उसमें जितने शिक्षा भी नीति में बोलिए क्या है सर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको क्या लगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक शब्द है, जी एक सेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बस एक शब्द लिखा है कि हम आपको बता दें, या एक लाइन लिखा है कि हम आपको बता दें? हम कह रहे हैं अरे पढ़िए, तो आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पता भी नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बस सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। अच्छा, आपको जब कुछ पता ही नहीं है इसीलिए तो आप जहां हैं वहीं हैं। पर 69,000 में आपने फॉर्म भरा था? नहीं सर, आपने फॉर्म ही नहीं भरा, सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। वो उनहत्तर तो हजार में तब मेरा टेट नहीं निकला था ना सर, तो अभी जल्दी में। आप टेट ना निकालिए, फॉर्म ना भरिए, क्या 69,000 में शिक्षा मित्र नियुक्ति नहीं पाए हैं आप? क्या उस अरे आपको सर रोक दिया पाए गया कहा था? नहीं, बहुत लोग पाए हैं। तो क्या आपको मना किया गया था कि आप टेट मत पास करिए, फॉर्म मत भरिए? आपसे कहा गया था कि नहीं आपके लिए नहीं है, आपके नहीं है लिए भी सर, था, आपने टेट पास नहीं किया, आप फॉर्म नहीं भरी। सरकार अपना काम कर रही है, आप जो है अपना काम नहीं कर रही है, आप पढ़ाई नहीं की, आपने टेट पास नहीं किया, आपने फॉर्म नहीं भरा,
सीधा बात कीजिए, उल्टा बात नहीं। अरे सर, टेट नहीं निकला था, इस बार निकला है, इस बार आएगा तो वैकेंसी भरेंगे। तो ये बताइए, नहीं निकला टेट, उसके लिए जिम्मेदार सरकार है? नहीं, वो तो चांस तो दिया ही आपने सरकार तो ने, बार बार लेकिन ये अब हम लोग, कहना कि सरकार नहीं कर रही, सरकार नहीं कर रही। सरकार तो की ही 2011 अपने। में जब 2011 में जब टेट आया था, तब भी शिक्षा मित्रों ने कुछ जो है वो टेट दिए थे, जो भी बीएड वगैरह किए थे। हाँ 72,000 सही भर्ती है। हुई थी, उसमें 10% सीट था शिक्षा मित्रों के लिए, तब भी जो है उनको लिया गया था। इसके बाद 12,000, 16,000, 15,000 भर्ती आई, उसमें भी गए शिक्षा मित्र। 68,500 में भी गए, 69,000 में भी गए। आप कह रही हैं कोई काम ही नहीं कर रही गवर्नमेंट, ये भर्तियां कौन कर रहा है? पिछले 10-20 सालों में जो भी आप जब से हैं, जो भी भर्ती आई वो आपने किया, गवर्नमेंट नहीं किया है ना। खैर, अरे तो गवर्नमेंट ने किया आपने पोस्ट के बारे में जो पूछा है वो बताते हैं। पहले तो पोस्ट को ध्यान से पढ़ा कीजिए, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक नहीं पढ़ा। आप शिक्षा विभाग में हैं और है। आपको अरे शिक्षा सर विभाग की पढ़े कोई हैं, जानकारी ऐसा नहीं। नहीं है, नहीं है सर पढ़े हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कौन नहीं नजर दे जा डालता कि देखे क्या है इसमें, हम ये नहीं लेकिन कह रहे हम हैं, आपसे अभी आप ही आपसे ने जानना कहा, चाहते थे। नहीं सर वो तो आप है ही, पढ़ी ऐसा हैं। नहीं है, कोई ऐसा कोई नहीं है जो कि उस पर ध्यान ना दे कि देखें क्या चलिए, है। हम मान गए कि आप पढ़ी हैं, आपने हाँ ध्यान दिया लेकिन ये है। आप पढ़ी हैं, आपने ध्यान दिया। पेज नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है? अब पे इतना नहीं पहला बता पेज, पाएंगे इस तरह से सर। अच्छा पहला पेज छोड़िए, जो बाहर का कवर होता है, कवर पर किसकी फोटो है, क्या फोटो लगी है पता ही नहीं देखिए, है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। आप कह रही हमने पढ़ा है, फोटो तक नहीं बता पा रही, नहीं पहला पेज नहीं बता नजरिया, पा रही। अब नजरिया ऐसा नहीं है, सब लोग डालते हैं, अब ये बहुत ज्यादा गौर से नहीं देखे हैं। हाँ कोई क्या बस आपने सरसरी नजर से देख कितना लिए हैं? कितना पेज है, कोई एक सेंटेंस, कोई एक शब्द नहीं बताइए पता क्या है लिखा भाई, है? नहीं इतना हम गौर से तो देखे ही स्वीकार नहीं। करने में क्या जा रहा है कि नहीं हमने नहीं पढ़ा है? अगर आपने हाँ ठीक पढ़ा है होता सर, तो तो एक लाइन नहीं तो बताती पढ़े, ना। आप कौन से क्लास में पढ़ाती हैं, 1 को 2 को 3 को 4 को, किसको? सबको पढ़ाते हैं। अभी जो है आज आपने कोई क्लास लिया है? आज तुम सर छुट्टी पे थे? हाँ कल लिया था, कल रिजल्ट रिजल्ट दिया गया था ना 31 मार्च कल को। लिया, परसों लिया, कभी भी लिया अरे लेते ही हैं तो वैसे। लेती हैं। तो किसी क्लास में पढ़ाती हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, अरे सर घंटी लगी है, 1, 2, 3, 4 में सब में जो लगा है क्या उसको पढ़ाते पढ़ाती हैं? हैं। हिंदी पढ़ाती हैं, उर्दू पढ़ाती हैं, संस्कृत पढ़ाती हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं, मैथ पढ़ाती हैं, कुछ तो बोलिए। अब वही, हाँ चैप्टर वही पूछेंगे, कौन सा चैप्टर तो क्या आपने जो है। देखा है हम वही पूछेंगे ना, हम वो नहीं पूछेंगे। अब आपने जो नहीं देखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया आपने देखा ही नहीं। आपने जो देखा है अब कहेंगे उसको भी ध्यान से नहीं देखते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, फिर आप तो वही वो बता दीजिए राष्ट्रीय ना कि, शिक्षा नीति के बारे में तो बताइए। आप वही बता दीजिए ना कि हम इस क्लास में पढ़ाते हैं, ये विषय पढ़ाते हैं, उस पुस्तक का ये नाम है, पहले पहला चैप्टर ये है, वही बता दीजिए। क्या करेंगे सारे सब जान के वास्तविकता ये है कि जी। आप मन से कोई काम नहीं कर रही हैं। चलिए खैर छोड़ देते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो विभाग समझेगा, क्या आप करें, समझेंगी। आप अभी तक एक चीज नहीं बता पा रही हैं, आपको तो ये भी नहीं पता होगा 2 साल का ट्रेनिंग आपने किया तो क्या क्या पढ़ा उसमें, आपने कौन कौन सी किताबें थी। खैर अभी इंटरव्यू भी होना है, आप खुद ही वहां पर बाहर हो जाएंगी। एग्जाम में तो 69,000 हुआ, 68,000 हुआ, बहुत सारे शिक्षा में तो बाहर हो गए, अब तो सुपर टेट नहीं होगा। हाँ लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अच्छा ये लिखा है कि इंटरव्यू होगा, डेमो होगा। तो जैसे आप अभी आंसर नहीं कर पा रही हैं, वहां भी आंसर नहीं कर पाएंगी, तो जो आंसर करेगा शिक्षा मित्र, चाहे बीएड बीटीसी जो भी टेट काहे आपकी पास, बार सुपर टेट नहीं होगा सर, पोस्ट नहीं पड़ी है, उसमें ऐसे ही तो फोन कर था, दिया, नहीं उसमें है सर सुपर टेट वाली तो फिर बार इतना भी, आश्चर्य इसीलिए से क्यों बात कर रही हैं? आप पढ़ करके आ रही हैं ना, नहीं पढ़े तो हैं सर, इसीलिए तो कंफर्म कर रहे हैं आपसे। कहाँ कंफर्म कर रही हैं? हम तो कह रहे हैं कि सुपर टेट नहीं होगा, आप पढ़ करके हाँ भी आई हैं, वही, फिर उसके बाद आश्चर्य नहीं उसको जाहिर कर पढ़ रही रहे, हैं। उसको पढ़े हैं वही, तभी तो हम लेकिन एक सुपर टेट नहीं जी। देना है, और इंटरव्यू में राष्ट्रीय क्या होगा शिक्षा नीति में लिखा है, आपने पढ़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हमसे पूछ रही हैं। खैर जी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कि जितनी भी भर्तियां आप होंगी उनमें इंटरव्यू डेमो होगा। तो अभी एनसीटीई ने गजट नहीं जारी किया है, जिस दिन गजट जारी कर देगा उस तारीख से इंटरव्यू डेमो सभी शिक्षक भर्ती में अनिवार्य हो जाएगा। और यूपी के अंदर शिक्षक सेवा चयन आयोग गठन हो रहा है, सारी भर्तियां यही करेगा, और नियम बन जाएगा कि इंटरव्यू होगा तो आपको इंटरव्यू देना होगा। और अगर आपने आंसर नहीं दिया सवालों का, जी वो तो चाहे है आप ही, छूट जितने साल से जाएंगे। हो बाहर हो जाएंगी, जैसे सुपर टेट में लोग बाहर हुए हैं, हाँ पास तो नहीं हुए, ही है। तो क्या चाह रही हैं? आपको वो सहायक अध्यापक बनना है, 40,000-50,000 पाना है या नहीं पाना है? अरे सर सब लोग चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं, ऐसा कहाँ कह रहे हैं। फिर हो सकता है 6 महीने 1 साल बाद आप हमारे पास फोन करें, सरकार कुछ नहीं कर रही है और ये सब हो चुका हो, ज्यादातर शिक्षा मित्र पा चुके हों, फिर आप मौका गवा चुकी हो, फिर कहेंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही। अरे सर इसीलिए क्लियर करने के लिए तो हम आपसे फोन किए हैं कि
क्या सुपरटेस्ट में नहीं अभी होगा। अभी जितेंद्र शाही उठ खड़े हों, कहें कि जो है लखनऊ आ जाओ, दौड़े दौड़े जाएंगे, कहेंगे कि याची बनना है 2,000 रुपए दे दो, दे देंगे। राजू दास कहेंगे हवन करना है 3,000 रुपया दीजिए, दे देंगे। गाजी मामाला और रिजवान वगैरह कहेंगे कि 2,000 रुपया दीजिए, लखनऊ आ जाइए, वो सब करेंगे। इन मूर्खों के कहने से करेंगे, लेकिन सरकार जो कहेगी वो आप पढ़ेंगे ही नहीं कि सरकार क्या कह रही है, करने को चलो वो कर लेते हैं। सरकार ने कहा कि 68,500 सुपर डेट होगा, उसमें आप की नहीं और नहीं ले पाई। 69,000 में कही आपने, वो भी नहीं किया, वो नहीं ले तो है पाई। ही नहीं, वो और तो फिर है से होने जा रहा बिना सुपर डेट के, तो आपको पता ही नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा वही। नीति में सब कुछ लिखा है, सरकार बता चुकी है क्या करने वाली है, आप वो भी नहीं पढ़ रही हैं, एक दिन वो भी हो जाएगा, फिर उसके बाद कहेंगी कि सरकार कुछ करती ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रही है। पहले अपने अंदर झांकी, आप कहां कमियां छोड़ रही हैं, बात समझ में आ रही है? हम आपको बुरा भला नहीं कह रहे हैं, समझा रहे नहीं हैं। नहीं सर, अच्छे वो तो अच्छे के लिए बता रहे हैं। तो डेमो में और इसमें इंटरव्यू में, इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। पूछ देंगे कि आपने दूरस्थ बीटीसी किया है, कितने पेपर थे, किताबों का जी, क्या नाम था, किस किताब में क्या सिलेबस था, हाँ कुछ भी पूछ सकते आपने हैं। हाई स्कूल पास किया, क्या क्या सब्जेक्ट थे, कितने परसेंट नंबर थे, हिंदी में जी कितने नंबर थे, आप ही के बारे में पूछ देंगे तो भी नहीं बता पाएंगी, क्योंकि आप अपने ऊपर भी नहीं ध्यान दे रही हैं। पूछ देंगे कि आप जो है शिक्षा मित्र हैं, ये योजना कब चलाई गई, इस योजना में कब कब क्या क्या हुआ, आंकड़ा पूछ देंगे, इस योजना में कब कब कितना बजट जारी हुआ, अभी स्कूलों में जो है कमरे बनाए जा रहे थे, कुल कितने कमरे बनाए गए, भाई आप पढ़ा रही हैं, पढ़ा चुकी छह हैं, हजार शायद सर था, तो 6,000। 6,000 ये तो बचे हुए हैं ना, टोटल कितने, अच्छा नहीं ध्यान नहीं दी, क्योंकि वो ध्यान दिया आपके काम का ही नहीं है, क्या करेंगे, इंटरव्यू पूछेगा तो कह दीजिएगा मेरे काम का नहीं था इसलिए हम नहीं पढ़े। नहीं सर, इंटरव्यू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूछेगा कब लागू हुआ, कह नहीं दीजिएगा हमने दिमाग पढ़ा है लेकिन सही याद नहीं नहीं, है, पूछेगा कि जो है सही बता रहे हैं सर, सच 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 बता रहे हैं। बस दिमागी सिमरा तक सुपर टेट वाला किसी तरह से तैयारी कर ले, निकल जाए, बाकी हम सही बात किसी चीज पे सुपर ध्यान नहीं टेट देते की हैं। तैयारी कहाँ कर पा रही हैं आप? अगर सुपर टेट भी तैयार आप कर रही होती तो कम से कम सरकारी स्कूल की किताबें आप रट्टा मार डाली होती पूरा, वहीं से पूछा जा रहा है सुपर टेट में प्रश्न। सुपर टेट का पेपर उठा लीजिए 69,000 68,000, और अपने सरकारी स्कूल का 8 तक का किताब उठा लीजिए, 80% प्रश्न वहीं से मिल जाएंगे आपको। तो आपने तो वो भी नहीं पढ़ा है अपनी किताबें, आपको तो चैप्टर तक नहीं पता है, याद है, आप वहां भी नहीं बोल पा रही हैं। वास्तविकता है आप पुराना पेपर मिल जाए यूपी टेट का कोई या फिर अरे वो सुपर तो टेट देख का, तो आप सिर्फ सरकारी स्कूल जहां पढ़ा रही हैं जी, एससीईआरटी की सारी किताबें आप 1 से लेकर के 8 तक का उठा लीजिए, 80% प्रश्न उसी में से पूछे जा रहे वो हैं। तो पूछे जाते हैं, सही है तो एनसीईआरटी आप वाला, अब आपको जाना है अगर दिल्ली और आप ट्रेन पकड़ लीजिए मुंबई का, तो गलती वो किसकी तो है? है ही है, वो तो गलती अपनी ही है भाई। हम जा रहे हैं कहाँ, जाना कहाँ है। तो आप लोगों ने पहली गलती क्या किया कि आपको परमानेंट नौकरी चाहिए था, और आप कहाँ चली गई, संविदा में चली गई। वो तो गलती तो हुआ ही, स्टार्टिंग में ही अभी कदम कुछ गलत दिन रख पहले एक लिया। शिक्षा मित्र महिला फोन की, उन्होंने बताया कि जब 16,000 भर्ती आई थी अखिलेश के समय में, उन्होंने भी भरा था फॉर्म, उनकी एक कोई और सहायक शिक्षा मित्र थी उन्हीं के स्कूल में या उनकी सहेली थी जो भी, उन्होंने भी भरा, दोनों लोग का नाम आ गया, जी उनकी जो सहेली या जो भी थी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, आज वो प्रमोशन के लिए तैयार हैं, वो जूनियर वो में जा रही तो हैं, और ये उस वक्त जो भी कारण था ज्वाइन नहीं की, और आज भी 10,000 पर हैं। अब बताइए, तो जिसने ज्वाइन किया वो गलत था या जो ज्वाइन नहीं किया वो गलत, क्या इसमें सरकार की गलती है? नहीं सरकार की तो तो हम हर किसी को सिर्फ समझाते हैं, समझेंगी आप ही का भला होगा, सीरियस हो नहीं जाइए, सर, अभी वो तक आप तो सीरियस नहीं हुई हैं नौकरी के लिए। नहीं वास्तविकता है कि नहीं शिक्षा मित्र आज भी सीरियस नहीं है सहायक अध्यापक बनने के लिए, जो सीरियस थे वो 68,000 में पा गए, 69,000 वो में तो पा थे गए ही, वो तो और है कहीं ही ना है, कहीं पा गलती गए। तो हुई ही, उसी टाइम में गलती हो गई। सीरियस हुए होते तो शायद कहीं और तो होते अब तक। रिजवान कहाँ है इस समय, कुछ पता चलता है रिजवान का? पता नहीं भैया, मैसेज में नाम वाम आता है, हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो रिजवान अंसारी मैसेज में नाम देख लेते हैं, बस इतना ही जानते तो हैं। आजकल वो क्या कर रहे हैं, शिक्षा मित्र हैं या सहायक अध्यापक हैं? पता नहीं, शायद सहायक अध्यापक हो गए हो तो। और गाजी इमाम वाला हो गए सहायक नहीं अध्यापक, वो नहीं, वो कहाँ, और शाही समय कहाँ है, अरे वो भी नहीं है, वो उनको भी नहीं है, वो नहीं है, कहाँ है जानकारी आपको? लखनऊ में। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है कई महीनों से, हाँ वो तो उनका तबीयत सही नहीं रहता अभी भी, माइंड शायद सब सही था
लेकिन उन्होंने जो करतूत किए थे, लूटपाट किया था, उसका भुगतान कर रहे हैं, ऊपर वाला उनको सजा दे रहा है। ऐसी हालत हो गई है कि वो ओ पानी तक माइंड नहीं पी सेट सकते अपने हाथ से, याददाश्त ही चली गई है शायद उनकी। सब चला गया है, कुछ भी नहीं बचा है, ये तो है उनका ही। समझिए कि एक तरह से डेड हो चुके हैं वो। हमने जो वीडियो देखा था, और भी कई अरे वीडियो हम इधर लोग भी वही लगातार आए, वीडियो ही देखे थे लखनऊ में, जब धरनम गए थे तो वीडियो ही देखे थे। हाँ तो उनकी हालत देखिए कितनी खराब है। क्यों ऐसी ये हालत तो हो है। रही है, क्यों ये लोग हाँ जो है गायब हो गए, जो गलत काम करता है यही सब होता है। खैर, सही जानकारी रखिए, धरना से आज तक न किसी को कुछ मिला है न मिलेगा। नहीं सर वो तो है ही है, धरना वरना का बहुत नहीं मतलब रखते होते हैं। सही तरीके से अभी जो है, कल की न्यूज है अखबार में, एक टीचर 28 साल नौकरी किए, 3 दिन बाकी था रिटायरमेंट में, जी लेकिन उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। क्या अच्छा, रिटायर होने जा रहे थे, 3 दिन तो बाकी था कुछ सिर्फ। कागज में कमी थी क्या सर उनके? हाँ, उन्होंने सर्टिफिकेट फर्जी लगाए थे, कुछ डेट अपना जन्मतिथि वगैरह बदलवाया था, वो तो रिकवरी तो हो वो जाएगी तो। चीजें वो 28 साल बाद पकड़ में आई। अब उनके ऊपर कार्रवाई तो होगी, जेल भी होगा, इन फायदा अट्ठाईस क्या सालों का हुआ इन जो अट्ठाईस सब। सालों का सैलरी वापस लिया जाएगा। हाँ वो क्या वो मान भर सम्मान नहीं पाएंगे गया, अब? वो भाई, अब तो मान है सम्मान तो चला ही गया, जेल भी होगा, जो इतने साल में कमाई की है इससे उनका अच्छा था घर जमीन जायदाद कुर्की हो जाएगा, सब गवर्नमेंट तो सब नीलाम कुछ। कर देगी। भाई गलत काम किए हैं तो सजा भुगतेंगे ही। तो कोई भी गलत काम करिएगा, चाहे जिस भी रास्ते से जो भी हो रहा हो, उसका परिणाम चाहे देर सवेर गलत ही आएगा। समायोजन उन्होंने किया, काम अच्छा किया, लेकिन तरीका गलत था उनका। गलत था इसीलिए तो आज सब लोग भुगत रहे हैं। हाँ, उसी टाइम में टेट लागू हो गया होता तो तो कोई अब ये समस्या ही ना बताइए, होता। एक व्यक्ति ने गलत तरीके से काम किया, समायोजन गलत तरीके से किया, उसका परिणाम सारे लोग भुगत रहे हैं। और अगर वर्तमान सरकार नियम के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, टाइम लग रहा है, तो अब लेकिन जो हाँ ये तो है होगा, ही है, अब जो अगर है नियम सब के सही है, अनुसार इसमें कुछ होगा, होने वाला नहीं, लास्ट में कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा जिसका हो जाएगा। तो जिसका अब जैसे 69 में जो पा गया, क्या हाँ कभी उसका भविष्य में तो उसको निकाला जाएगा? नहीं सर वो क्या तो उसका सही नियुक्ति है। रद्द किया? नहीं, वो क्योंकि सही रास्ते से गया है, तो गवर्नमेंट अब हाँ नियम अनुसार करे। यही बीजेपी, जिसको आप लोग बार बार कोसती हैं, योगी जी को और बीजेपी को, यही जी उत्तराखंड में जो टेट पास करते जा रहे हैं, उनको नियुक्ति देते उनको जा रहे कर हैं ना, दिए जी। तो जब वहां कर रहे हैं तो फिर सोचने को बनता है कि नहीं, आखिर यूपी से क्या दिक्कत है उनको, क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल तो बनता है ना कि वही वो तो व्यक्ति ही है, है, वही जो गवर्नमेंट वहां कर है, रहे हैं यहाँ वहां कर रहे क्यों हैं, कर यहाँ रहे क्यों नहीं? हैं। तो यहाँ के लोगों ने गड़बड़ किया, यहाँ के लोग कोर्ट गए, यहाँ के लोग अवैध समायोजन में शामिल हुए, उत्तराखंड वाले तो नहीं हुए थे, तो वो वहां तो कोई है। दिक्कत नहीं थी, वहां होता चला गया, कर रहे हैं, आज भी हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर मैटर कोर्ट चला गया। जब मैटर कोई कोर्ट जाता है तो फिर चीजें कोर्ट के अनुसार चलती हैं। तो कोर्ट ने कहा था कि भैया इनको अपनी आने वाली भर्ती में मौका दीजिए, तो जो आने वाली दो भर्ती थी उसमें मौका दिया। अब इन्होंने प्लानिंग किया, हेलो, जी। अब इन्होंने प्लानिंग किया कि दो और मौका दे देते हैं, तो 18 के अच्छा बाद अच्छा 19 और 21 वाला जी दो टेट और करा दिए, तो जी थोड़ा रुक करके इन्होंने और मौके दिए कि और भी लोग टेट पास कर पास लें। हो तो अब जाए जब टेट हो चुका है, जितने शिक्षा मित्र को टेट पास करना था वो कर चुके, जी इसीलिए अब टेट आ भी नहीं रहा है, क्योंकि अब आगे सारे जो भी टेट पास हैं, चाहे इसके शिक्षा पहले मित्र तो हों, था जो कि भी, पहले टेट सर, इसके पहले तो पेपर में आया था टेट होगा उसके बाद में सुपर टेट होगा। अखबार क्या है, गवर्नमेंट का वो विभाग है जियो, वो जारी कर रहे हैं, अखबार एक सूचना देता है। कल हम जा करके, आज हम जा करके अखबार वाले को कहें, भैया ये फोटो लीजिए हाँ और तो ले लिए डाल ये फोटो दिए लीजिए, ये पैसा लीजिए, छाप दीजिए कि ये व्यक्ति मृत्यु हो गई, ये 13वीं इनका फला तारीख को है। अब वो फोटो आपकी रहे, तो वो छाप देगा बस कि वही नहीं? हो जाता जी, वो तो छापेगा अगर ही। आपकी फोटो दे करके हम दे दें, वो छाप देगा ना, तो क्या उसके छाप देने से नहीं आपकी मृत्यु हो गई? तो अखबार टीवी सिर्फ और सिर्फ एक सूचना का माध्यम है, वो सूचना सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसको कभी आधार मत माना कीजिए, जी ऑथेंटिक जानकारी लीजिए। हम भी जो कह रहे हैं ये भी एक सूचना है, ठीक है, वो तो यूट्यूब है पर भी ही। जो लोग बता रहे हैं वो एक सूचना है, ऑथेंटिक जानकारी सिर्फ विभाग देगा और उसकी वेबसाइट पर होगा, ठीक जी है। तो ऑथेंटिक जानकारी आप जाइए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट से लीजिए, आप चले जाइए जो है शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से लीजिए, या यूपी के जो भी वेबसाइट्स हैं वहां से लीजिए। हाँ, इन्फॉर्मेशन हम भी शेयर कर रहे हैं, अखबार भी दे रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को भी लीजिए, लेकिन कंफर्म कीजिए कि कितना सही है। और हम जो भी शेयर कर रहे हैं, हम फ्यूचर की चीजें बता रहे हैं, तो वो जब होगा तब दिखेगा, जी तो अभी टाइम है। हाँ, तो जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, अब तक 4 मौके यूपी टेट के दिए गए, जी 2017 में जब जजमेंट हुआ तब से अब तक, इसी जी दौरान 8 बार सी टेट भी हुआ,
जितने भी शिक्षा मित्र टेट पास हैं, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, वो सारे के सारे प्राइमरी में सहायक अध्यापक 2023-24 जो सत्र शुरू हो गया है आज से, इसी सत्र के दौरान, तो ये सत्र पूरा 1 साल का होता है, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसी दौरान परमानेंट कर दिए जाएंगे बिना सुपर टेट के। और जो टेट पास नहीं है वही उनके लिए डेमो डेमो बता रहे हैं वो भी, और जो टेट पास नहीं है उनके लिए प्राइमरी में कोई जगह नहीं है, इस साल 2023-24 सत्र में वो प्राइमरी से निकाल दिए जाएंगे, प्राइमरी में वो नहीं रहेंगे, वो उनके लिए गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया है प्री प्राइमरी का। तो ये जब टेट नहीं हो पास तो प्राइमरी में नहीं रह सकते हो, यहाँ से निकलो। हाँ, प्री प्राइमरी जो नया शुरू हो रहा है बाल वाटिका, मालूम होगा आपको, वहां पर जाएंगे, वहां पर टेट की कोई दिक्कत नहीं है, बिना टेट के भी वहां रह सकते हैं, अभी वहां टेट नहीं है, कल को वहां भी टेट आ जाएगा, फिर वहां से भी भगाए जाएंगे अगर टेट पास नहीं करेंगे तो। पढ़ना तो पड़ेगा, नौकरी करनी है तो काम तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। खैर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार सारी चीजें हो रही हैं। अभी चल रहा था कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, वो योजना पिछले साल केंद्र ने पैसा दिया, सभी राज्यों को दिया, यूपी में ही स्पेशल नहीं हो रहा, भारत के सभी राज्यों में हो रहा, जहां बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई पार्टी हो, सब जगह हो रहा है। कमरे बनाए गए यूपी के अंदर, 2,86,000 कमरे बनाने थे, 2,80,000 बन चुके हैं, 6,000 बचे थे, उसके लिए भी पैसा दे दिया गया, 4-4 लाख। अगर पैसा अभी तुरंत न देते तो पैसा केंद्र सरकार वापस ले लेती, भैया तुम जब तुम काम ही नहीं कर रहे हो तो लाओ जो बचा पैसा है वापस दो, इसलिए जल्दीबाजी में फटाफट पैसा दिया गया कि भैया जो कमरा बचा है वो भी बना लो। तो सारे राज्यों ने कमरे बना लिए, अब हर कक्षा को अलग अलग कमरे में चलाया जाएगा। आपके स्कूल में कितने कमरे हैं? अरे सर मेरे यहाँ 5 है। 5 है, सारी कक्षाएं अलग अलग चलती हैं? जी, चलिए तब तो आप, कंपोजिट विद्यालय है मेरा। अच्छा, आपका कंपोजिट हो चुका है, चलिए अच्छी बात है, कमरे हैं सब कुछ है। तो 4-5 सालों में, 6 सालों में कुछ बदलाव हुआ है स्कूल के अंदर, कुछ सुधार? अरे सुधार क्या, वही जो सब पेंट वेंट वाला यही सब आया था, वही सब सुधार हुआ है, परसों से होगा। अच्छा, फर्नीचर वगैरह मिले हैं कि नहीं 4-5 सालों में? हो गया, हो गया है ना, तो इसी को सुधार कहेंगे ना। तो ये छोटा मोटा है, पहले बच्चे कहाँ बैठते थे, जमीन पर। हाँ, तो है, टेबल डेस्क बेंच आ गया, अब आ गया ना, तो अब बताइए, ये बड़ा बदलाव नहीं है, ये छोटा सा है, नहीं बच्चे वो तो जमीन पर ही है, बैठते थे, बदलाव अब हुआ ना, वो तो ही अगर है। आप किसी के घर जाइए वो आपको जमीन पर बैठाए, आपको कैसा लगेगा? वो तो है ही है। भाई बच्चे हैं, उनके भी माता पिता हैं, उनको भी खराब लगता रहा होगा कि हमारे बच्चे जो है जमीन पर बैठ रहे हैं। अब बच्चे ऊपर बैठ रहे हैं, जब वो देखते होंगे कि प्राइवेट वाले बच्चे कैसे बैठ रहे हैं और हमारे बच्चे कैसे बैठ रहे हैं, अब उनको खराब नहीं लगता होगा। वो तो है ही तो सर। बदलाव हो रहा है ना, पहले बच्चे खाकी पहनते थे, लगता था कि जो है चोर वोर हो, कैसे दिखते थे खाकी पहन के, और अब कैसे दिखते हैं? तो उनके भी माता पिता को भी तो अच्छा लगता, बदलाव तो हुआ ही। तो उनके माता पिता को अब अच्छा लगता होगा ना कि प्राइवेट स्कूल की तरफ ही बच्चा मेरा भी टाई वाई लगा करके बढ़िया से जा रहा है। वो तो जा रहा है, सही है सर। ये छोटा बदलाव नहीं है, बहुत वो तो बड़ा है बदलाव अभी, है। वो तो एक है सर। व्यक्ति जो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं था, उसको एक सम्मान दिया जा रहा है, उसके घर परिवार को एक सम्मान दिया जा रहा है, एक ऊंचा स्थान दिया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है उनके रहन सहन हर चीज में। तो जी देखेंगे तब ना, दिखेगा तो छोटा सा काम लेकिन इसका फर्क बहुत बड़ा है। जब व्यक्ति जी कुछ चीजें हासिल करता है तो उसको और आगे बढ़ने की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है। जी खैर, ये बड़े बदलाव हो रहे हैं, बिजली दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, बायोमेट्रिक लगाया जा रहा है है, सर। टीचरों पर कड़ाई की जा रही हाँ है, अच्छी पढ़ाई कराने की व्यवस्था बनाई जा रही है, सब हो रहा है। सब हो तो रहा है, तो राष्ट्रीय ही शिक्षा नीति में ही लिखा हुआ है कि आने वाले जी समय में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य होगा, ये लिखा है। तो उसमें जो जो लिखा है वो सब हो रहा है धीरे धीरे, तो हो सकता है ये भी लागू हो जाए। अगर ये अभी लागू हो जाएगा तो आपको देना ही पड़ेगा। जी तो इसमें पता नहीं क्या पूछेंगे, हो सकता है कुछ हाँ स्कूल तो, के बारे में पूछ दें, हो सकता है आपकी पढ़ाई के बारे में पूछ दें, हो सकता है अरे देश दुनिया के भाई बारे में उसका पूछ तो दें। कोई सही है, बहुत कुछ तो रहेगा, अगर पता नहीं आप क्या पूछूं। चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि जैसे 68,000 में 69,000 में सुपर टेट पास करके लोग बन गए सहायक अध्यापक, जी 40,000 50,000 पा रहे हैं, आप भी जी चाहती हैं कि हम प्राइमरी में रहें, 40,000 50,000 मिले हमको, तो आप इंटरव्यू डेमो की तैयारी शुरू कर दीजिए, वही सुपर टेट वाला ही सिलेबस। सुपर टेट अच्छा नहीं अच्छा देना है, ये गवर्नमेंट अभी अच्छा नहीं कह रही है, हम कह रहे हैं, लेकिन ये भी आ जाएगा सामने जल्दी ही, जी ठीक है?
और नहीं तो फिर तो प्री प्राइमरी का रास्ता खुला है, प्राइमरी से आपको हटाया जाएगा, भैया जाओ उधर प्री प्राइमरी में। तो कहाँ रहना है, अरे प्राइमरी में या प्री प्राइमरी में जाना है, भाई बालवाटिका? सर कौन सोचता है कि खाना अच्छा ना खाएं, सब लोग सोचते हैं अच्छा ही खाना खाएं, वो तो भाई देखा जाएगा। तो पहली बात, ग्रीन हरा चश्मा लगाएंगे तो सब हरा दिखेगा, लाल लगाएंगे तो सब लाल दिखेगा। तो अपना चश्मा नहीं पहले सही लगाइए, ये जो नेता वेता है उनकी तरफ देखना बंद कीजिए। अगर नहीं उनकी नहीं सर उनके नजरिए से देखेंगी तो ऐसे ही परेशान रहेंगी। आपको खुद नहीं, अपना भला सोचना है, वो कोई तो है और नहीं सर। आएगा आपका कल्याण करने के लिए। ये नेता, इनका जहां लाभ होगा ये अपना लाभ लेंगे, निकल लेंगे। सब करोड़पति बन गए कि नहीं बन गए? अरे वो तो बने ही हैं, बाकी सब राजू दास बेकार ने हैं। 3-3 हजार मांगा, कितने करोड़ गए उनके पास, अरे बहुत और बेकार ना किए सब क्या? सब वो सिस्टम, किए कुछ क्या? नहीं, फालतू कथा सब। ये लोग बात एक ही बात, अभी लखनऊ में सम्मेलन हुआ, क्या मिला? वो तो कुछ नहीं कुछ सर, मिला नहीं। खाली 12 जनवरी सब को एक धरना लखनऊ में हुआ, उससे कुछ मिला? क्या मिला, जैसे तैसे रह गए हैं जब सब लोग, तो क्या मिला, कुछ नहीं तो बस। 10 हजार रुपये मिल रहे हैं, उसे 10 हजार में से भी 1000-2 हजार रुपये इनको दे दीजिए, या फिर धरना वरना के चक्कर में बर्बाद कीजिए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? खुद है ना, कि आप किसी के कहने से कोई चीज कर रही हैं। आपको क्या करना है, आपके भले के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो डिसीजन आपको लेना है। अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो कर रही है, क्या सही है क्या गलत है समझते हुए, गवर्नमेंट जो कर रही है कह रही है उसकी तरफ ध्यान दे करके कीजिए, तो आप निकल जाएंगे आगे, जैसे 68 हजार-69 हजार में निकल गए लोग। ठीक है, ठीक है हाँ तो सर, सुपर टेट का ले लीजिए सिलेबस, पढ़ाई शुरू सिलेबस कर। लिए हैं सर। सिलेबस ली हैं लेकिन सीरियस नहीं हुई अभी तक। टेट निकालने के लिए आपको 68 हजार से पहले 2017 में एक टेट हुआ, वो भी नहीं निकाल पाई। 69 हजार से पहले 2018 में हुआ, वो भी नहीं निकाल पाई। अगर आप सीरियस होती तो वो निकाल तो ली होती ना, निकल जाता। हाँ सर वो तो था ही, लेकिन आपने निकालने में देर किया। आप सीरियस हो रही हैं, देर से सही हो रही हैं। कह रहे हैं। अगर आपकी ट्रेन है कहीं जाने की शाम को 6 बजे और आप हाँ वहां पर लेट जाएंगे तो पहुंचिए कहाँ छह मिलेगी, बजकर 1 मिनट पर जाइए तो वो ट्रेन मिलेगी हाँ तो आपको? नहीं मिलेगी सर, वो तो नहीं लेट हो मिलेगी, जाएगा। 1 मिनट नहीं वेट करेगी। लेकिन अगर आप 6 बजे से पहले 5 बजे पहुंच जाएंगी तो भी हाँ तो ट्रेन जाना नहीं कहाँ आएगी, है, तो मिलेगा बैठना ही, पड़ेगा फिर आपको। बैठना पड़ेगा लेकिन यानी कि मिलेगी, ट्रेन आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको वो तो ट्रेन के हिसाब टाइम से चलना होगा। अपना। जी, ट्रेन अगर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा भी लेट है तो आपकी मजबूरी है, आपको ट्रेन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ट्रेन चाहे 4 घंटा लेट हो, लेकिन जब आएगी, अगर उसका 2 मिनट रुकने का है तो 2 मिनट से 3 मिनट नहीं रुकेगी वो। जी तो तो सही कह रहे हैं। ट्रेन अगर चाहे लेट हो चाहे समय से हो जल्दी हो कुछ भी हो, वो आपका इंतजार बिल्कुल नहीं करेगी। इसी तरह से जैसे आपको वहां पर उसका इंतजार करना है, ऐसे ही गवर्नमेंट जो भी कर रही है, गवर्नमेंट आपके अनुसार हमारे अनुसार नहीं चलेगी। वो जो योजनाएं चला रहे हैं वो देख करके हमारा कहाँ भला है, उस तरफ हमें कदम बढ़ाना होगा। जब आप शिक्षा मित्र बनी तब आपको पता था कि ये सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा रहा है, ये संविदा है, संविदा कभी परमानेंट नहीं होता है डायरेक्ट। तो सही सही है सर। तो आपको भी अन्य लोगों की तरह जो जो भर्तियां जब जब आई, जहां जहां मौका मिला उसमें प्रयास करके निकल जाना चाहिए था, लेकिन सारे के सारे शिक्षा में तो बस बैठे रह गए कि सरकार करे हम क्यों कुछ करें। वो तो है तो सर, गलती किसने किया है, हाँ खुद सर, ही तुम किए है लोग ना। सरकार के ऊपर ज्यादा उम्मीद लगा लिए थे, चलो होगा इसमें। सरकार से क्यों उम्मीद लगाना, सरकार चलिए मान लीजिए ट्रेंड अभी हम जो बता रहे हैं ये सब हो जाए, ठीक, सहायक आपका अध्यापक हो जो गया है भी। सर, आपका हो गया है? अच्छा हम शिक्षा मित्र नहीं है, हम बीएड वाले हैं, हम सिर्फ जानकारी देते हैं, अच्छा क्योंकि हम लोग का भी मैटर है, विभाग से ही संबंधित है, वही विभाग है, अपनी जानकारी हासिल करते हैं। तो वहां पर विभाग में सिर्फ हमारा काम तो नहीं हो रहा है, तो वही बीएड उसी वाले में विभाग से आपका हो गया होगा ना परमानेंट में, टीचर में? बता रहे हैं, बता रहे हैं। तो उस विभाग से संबंधित जब हम जानकारी हासिल कर रहे हैं तो वही तो सारी फाइलें चल रही हैं, वही सारा काम हो रहा है ना। तो वहीं जी पर शिक्षा मित्र का भी काम हो रहा है, वही 69 हजार वाला भी काम हो रहा है, वही 68 हजार वाला। तो जब जाएंगे कोई चीज पता करने तो वहां सारी चीजें हो रही हैं, तो और जानकारियां होती हैं, वही जानकारी शेयर कर देते हैं। जी तो अब आपको जानकारी लेना हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, अरे ये तो बीएड वाला है इसकी बात मत सुनो, वो अलग बात है, उनको बुरा लगता है, ये बीएड वाला है उनको लगता है कि गलत ही हम बात करेंगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो जितनी बातें अभी तक हुई, कहीं लग रहा है कि हम कोई गलत बात कह रहे नहीं हैं नहीं आप? नहीं सर, नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए तो आपको। हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं और सही जानकारी दे रहे हैं, अगर उसको आप समझेंगी तो भला होगा। बाकी रिजवान क्या कह रहे हैं, गाजी मामाला क्या अरे कह नहीं रहे हैं, सर, शाही वो क्या कह रहे हैं, यही तो आज इन्हीं तक लोगों देखिए का क्या मिला उन संचार। लोगों की सुन करके। चाहे हाँ सही कह रहे हैं, आज तक कुछ वो मिला बीएड कुछ का नहीं। नेता हो, चाहे वो शिक्षा मित्र का नेता हो, चाहे वो बीटीसी का नेता हो, या फिर किसी भी संगठन का नेता हो, वो सिर्फ नेतागिरी करने आया है, लूटने आया है। वो आपके
किसी भी संगठन का नेता है वो उस संगठन के भले के लिए नहीं आया है, वो तो नेताओं अपना पर। बनाता है, मान लीजिए उनका बनता है, बाकी सब तो कहाँ पूछ रहे हैं क्या हुआ कैसे हुआ, बन गए जितने भी नेता थे अभी सब। अभी आप हमसे कितने देर से करीब बात कर रहे हैं, बात करते करीब आधा घंटा हो गया ये हो ही गया होगा, क्या? कभी हाँ सर इतना हो देर गया है। आप क्या इतनी देर कभी किसी नेता से बात कर पाई हैं? अरे हम सर फोन ही नहीं लगाते हैं, आप बात करने की बात कर रहे हैं, हम नहीं किसी से बात ही लगाती नहीं नहीं किए हैं, हैं। आप नहीं लगाती हैं, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति जो लगाता हो क्या किसी से इतनी हाँ देर बात करेंगे? वो नहीं नहीं इतना सर समय देंगे कुछ नहीं, पैसा नहीं, भी दिया होगा उसने, उसके बावजूद ये उसका फोन नहीं तो उठता होगा। मैसेज आपके पास वही मैसेज देखे थे तो एक बार और फोन लगा रहे थे उधर ही, फिर इधर हम कह देखे सर को फोन लगा के देखते हैं क्या कैसे जानकारी लेते हैं। चलिए, तो 2022-23 जो सत्र था उसमें केंद्र ने पैसा दिया, कमरे बना लीजिए, कमरे जी बन गए हैं, जो बचे हुए थे जी 6,000 वो भी बन रहे हैं। अब केंद्र की अगली योजना है हर कक्षा में शिक्षक, और जी संविदा जितने भी हैं चाहे वो अनुदेशक हों चाहे वो शिक्षा मित्र जी हों, ये सब बंद जी किए जा रहे हैं। आपको याद होगा एक योजना होती थी प्रेरक, जी वो बंद हो बंद गई भी हो ना। गया जी अब 2023-24 में ये जो सत्र शुरू हो गया आज से, इसके जी बाद लोग ऐसे ही कहेंगे एक योजना होती थी शिक्षा मित्र, वो बहुत साल पहले प्रेरक बंद की हो गई तरह है, प्रेरक की तरह ये भी जी बंद होने जा रहा है, अनुदेशक भी जी बंद होने जा रहा है, कहीं पर जी पैरा शिक्षक हैं, कहीं वित्त विहीन शिक्षक हैं, या जिस भी नाम से जो भी चल रहा है संविदा वाला, सब योजना बंद की जा रही है। संविदा की योजना नहीं चलेगी, संविदा चलेगा, संविदा की योजना नहीं चलेगी जो 5 साल 10 साल चलती है, 5 साल 10 साल 20 साल, आप लोग का 20-22 साल से चल रहा है ना, तो अब जी इस तरह से लंबी लंबी योजना नहीं चलेंगी। अब संविदा पर रखे जाएंगे तो 3 महीना 4 महीना 6 महीना या 1 साल ऐसे रखे जाएंगे, फिर उसके बाद और निकाल प्रकार बाहर के कर लिए देंगे, वो जी जब तक टीचर नहीं है तभी तक। अब हर साल भर्ती होगी, जो नया आयोग बन रहा है शिक्षक सेवा चयन आयोग, इसको हर जी साल जो है अपना कैलेंडर जारी करना है, फिक्स समय पर भर्ती निकालनी है, फिक्स समय पर एग्जाम कराएगा, फिक्स समय पर रिजल्ट घोषित करके नियुक्ति देगा। और इतना ही नहीं, अगर 10 पद है तो वो सिलेक्शन 11 लोग का करेगा, 10 लोग को नियुक्ति देगा, एक को वेटिंग में रखेगा, ताकि अगर इन 10 में से कभी कोई आता जाता है, नई भर्ती नहीं आ जैसे रही है, तो उस एक पीछे वाले को बुला लेगा, भैया आ जाओ तुम ज्वाइन कर लो। जी तो नई नई योजनाएं बन रही हैं, नए नए नियम लागू हो रहे हैं, उनकी जानकारी रखिए। जब नियम की जानकारी रहेगी तो कोई नेता परेता जो आएगा झूठ जितना बोलेगा, आपको सच पता होगा तो आप उसकी बातों में नहीं आएंगी, नहीं फंसेंगी। एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, वो आप ही के विभाग से संबंधित है, शिक्षा विभाग से ही संबंधित है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जितनी बातें हम बता रहे हैं सबका जिक्र जी है उसमें, तारीख के साथ जिक्र किया गया है कि कब कौन सा काम होगा। तो जी 2022-23 में कमरे बनाए गए, अब कमरा बन गया है, तो जिन स्कूलों में नए कमरे बने हैं शिक्षक नहीं थे वहां शिक्षक दिए जाएंगे, जहां शिक्षा मित्र हैं वो संविदा जब खत्म होगा तो वहां पर भी परमानेंट नियुक्तियां होंगी, अब जो टेट नहीं पास कर पाए हैं वो प्राइमरी से हटाए जाएंगे, जी तो हटाए जाएंगे तो वो पद तो वो खाली होंगे ना, तो तो है सर वहां पर भी भर्तियां होंगी। अभी प्रमोशन की बात चल रही है प्राइमरी से जूनियर में, सर, तो जब जाएंगे जूनियर में तो फिर प्राइमरी के और भी पद खाली होंगे, यहाँ पद खाली होंगे सर। तो वहां भी नियुक्तियां होंगी। यानी कि यूपी के अंदर प्राइमरी में 1,57,000 विद्यालय हैं, 5 कक्षाएं चल रही हैं, टोटल पद हो गए 7.5 लाख, जी 7.5 लाख। वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 2 लाख से भी कम है, पद खाली है 5.5 लाख से ज्यादा, जी वो 5.5 लाख पद भरे जाएंगे, शिक्षा मित्र जो प्राइमरी से हटाए जाएंगे वो पद खाली होंगे, प्रमोशन होगा तो पद खाली होंगे वो, यानी कि हाँ सर वो तो छह सब सात खाली आठ लाख होंगे पद भरे जाएंगे। जी पहले बैच में, पहले चरण में 2011 से 2018 अठारह तक वाले जितने भी टेट पास, चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे वो अच्छा बीएड जी हो पहले चरण में, हाँ बीटीसी जी हो, सर, वो सारे लोग ले लिए जाएंगे। तो ठीक है, डेमो वही पास करना पड़ेगा ना हमने शुरू में ही बताया कि इंटरव्यू डेमो जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, अभी जी नियम नहीं बनाया गया है। अच्छा, अगर नियम बनने से पहले ये सारा चीज हो जाएगा तब तो बिना इंटरव्यू डेमो के ही हो जाएगा, सुपर टेट तो देना ही नहीं है, ऐसे ही हो सर जाएगा। और अगर मान जी लेते हैं हम लोग आज बात कर रहे हैं 1 तारीख है, कल जो है नियम जी बन जाए और उसके जी बाद ये काम शुरू हो, तब तो देना पड़ेगा ना, वो तो देना ही तो पड़ेगा सर। तैयारी कब करेंगे, जब नियम बन जाएगा उसके बाद, नहीं या अभी नहीं से नहीं सर, तैयारी? पहले से ही तैयार रखो रहिए, सीधा हो तैयार रहिए, जी, होगा तो भी होगा दे होगा नहीं लेंगे, होगा नहीं नहीं होगा होगा तो होगा भी कोई तो दिक्कत नहीं, नॉलेज ही पड़ेगा। अरे तो सर नॉलेज पड़ेगा दो व्यक्ति जो अभी से तैयारी करे और एक व्यक्ति अभी से तैयारी न करे,
ठीक नहीं है। वो तो है ही सर, नहीं नहीं तो अगर होता है तो जिसने पढ़ाई किया है वो तो निकाल लेगा, जिसने नहीं किया वो नहीं जी निकाल पाएगा। नहीं वो होता तो है रह तब तो जाएगा दोनों के लिए बराबर है, लेकिन जी। जो नहीं पढ़ाई किया रहेगा और हो जाता है तो उसका क्या होगा, वो तो पाएगा पाएगा और सिलेक्शन? क्या, नहीं सिलेक्शन नहीं होगा। सर तो सब कुछ नहीं। अपने हाथ में है, गवर्नमेंट तो अपना काम अपने हिसाब से कर ही रही है। हर समय वो अपनी योजनाएं लेकर आती है, जब जिसमें जो आवश्यकता होती है वो योजना चलाती है। अभी कोरोना वैक्सीन लगाना था तो हर जगह बहुत तेजी से चलाया जा रहा था, अभी उतना नहीं है तो कोई जी प्रेशर नहीं डाला जा रहा, कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा, जिसको लगवाना है अपना जा रहा है, आराम से लगवा रहा है। तो गवर्नमेंट अपना काम अपने हिसाब से करती है, वो एक व्यक्ति को नहीं देख कर चलती है, वो 140 करोड़ आबादी के हिसाब से सोच करके चलती है। वो तो है ही सर। घर में आपके 4-6 सदस्य होंगे, दोपहर में खाना जो भी बनता हो, रात में खाना जो भी बनता हो, डिसाइड होता होगा कि आज ये बनेगा, वो बना देती होंगी। अगर चारों पांचों कहें नहीं हम ये खाएंगे, हम ये खाएंगे, हम ये खाएंगे, सबके पसंद का बना देंगी क्या? नहीं सर वो तो ही है, यानी एक डिसीजन लेके चलना होता है, और भैया वो खाना है तो खाओ नहीं मत खाओ, सबके जी पसंद का अगर 6 सदस्य हैं तो 6 खाना बनाएंगे, एक कहे कि हम चावल खाएंगे, एक कहे हम रोटी खाएंगे, एक कहेगा हम पूरी खाएंगे, एक कहे कि नहीं हमको पुलाव चाहिए, एक कहे ये तो हमको कम हो पराठा पाएगा चाहिए, सर तो क्या सबके मन का हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जी। एक कहे कि हम आलू टमाटर की सब्जी खाएंगे, एक कहे गोभी की सब्जी खाएंगे, एक कहे परवल की सब्जी खाएंगे, एक कहे पनीर की सब्जी खाएंगे, तो अरे क्या नहीं सर छह ऐसे लोग हैं बन ही तो नहीं 6 सब्जी पाएंगे जी बनेगा? जी नहीं नहीं सर संभव है। 140 करोड़ आबादी है, 140 वही करोड़ से सर पूछ करके गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। यूपी की 30 करोड़ जो है आबादी है, 25-30 करोड़ से ज्यादा हो रही है, 25-30 करोड़ से पूछ वही करके काम नहीं करेगी। गवर्नमेंट वही स्कूल चला रही है, स्कूल के लिए क्या करना है वो करेगी। फर्नीचर देना था तो पूछने आई थी क्या आप लोगों से कि फर्नीचर दे कि ना दे? नहीं नहीं, नहीं उनको सर देना जी था, उन्होंने योजना बनाया, पैसा खर्च किया, फर्नीचर दे दिया बिना पूछे, है ना? बिजली अभी दिया जी जा रहा है, बायोमेट्रिक हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो वो योजना तो बना सर रही है वो कर रही है। जी तो आपने जो शुरू में कहा सरकार कुछ नहीं कर रही है, अब समझ में आ रहा है सरकार कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं वो तो कर ही रही सर हाँ, सोचने का अपना नजरिया बदलिए। आपको वो नहीं सोचना है कि हम क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो क्या चाहती है, उसके अनुसार अगर हम चलेंगे फायदा होगा। अभी लोग सहायक अध्यापक बने हैं, आप भी बन जाएंगे, इसके बाद जो लोग संतुष्ट हो जाएंगे भैया हम तो बन गए सहायक अध्यापक, अब हमें कुछ नहीं करना है, तो वो आजीवन सहायक अध्यापक या प्रमोशन होगा तो प्रिंसिपल वगैरह बन जाएंगे। लेकिन अगर वो इसमें तो किसी जी को भूख होगी कि नहीं हमको तो आईएएस बनना है, और वो दिन रात लगा वो होगा, तो इन्हीं शिक्षा मित्रों में से, इन्हीं बीएड वालों में से कोई ना कोई आईएएस भी बनेगा, तो बनेगा ही सर, तो वो कैसे बनेगा? सरकार बनाएगी क्या? नहीं, वो खुद मेहनत करेगा, खुद प्रयास वो तो करेगा। मेहनत वो तो आप है ही लोगों सर के बीच में से न्यूज आता है कि फला शिक्षा मित्र जो है डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो गया, पीसीएस वो निकाल तो लिया, है। फला अरे वो तो शिक्षा है मित्र सर के बच्चे ये बन गए, कैसे हो रहा है? क्या सरकार उनके लिए कर रही है? नहीं, नहीं वो खुद सर वो कर तो रहे हैं, चाहे वो खुद अपना कर रहे हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। आपका भला आपके सिवाय कोई नहीं सोच सकता, ना आपके रिश्तेदार, ना नातेदार, ना नहीं पड़ोसी। नहीं सर वो तो है, ये खुद ही सोचना है। अरे कभी किसी पड़ोसी से, रिश्तेदार से कहिएगा जरूरत है 50,000 दीजिए, कितने लोग देंगे? नहीं सर कोई नहीं तैयार होगा, गिनती बताइए, 1, 2, 4 कोई हैं ऐसे जो दे दें कोई कहते ही? पास में रहेगा तो सब साथ तैयार हो जाएंगे, नहीं रहेगा तो कोई नहीं देगा, रहेगा घर में 4 लाख 10 लाख पड़े होंगे तो भी नहीं देगा, मांग करके कोई देख नहीं देगा लीजिएगा, सर। कभी ट्रायल करने के लिए, आजमाने के लिए, कि देखिए कौन अपना है कौन पराया है। नहीं झूठे कोई कहिए कि नहीं भैया देगा हमारा जो है हम कर्ज में डूबे सर, हुए हैं, जानेंगे स्थिति ही नहीं है, कहाँ से वापस करेंगे, इनको देख के क्या करेंगे। हाँ, लेकिन आप कहिए कि जो है आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, लीजिए, तुरंत आगे बढ़ाएंगे, फटाक से गिफ्ट थाम लेंगे। वो वो तो नहीं है पूछेंगे वो गिफ्ट 1,000 का है कि 1 लाख का है। आपने तो कहा ना कि सर आपके लिए गिफ्ट है, कभी भी किसी के सामने एक बॉक्स ले जाइएगा गिफ्ट पैक करके, हाँ वो तो है, ये कोई नहीं पूछता चाहे जितने का गिफ्ट एक हो बार भी नहीं पूछेगा भैया क्यों दे रहे हो क्या है, पहले वो थामेगा, जी। बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन अगर वही उसकी जगह कह दीजिए भैया हमें जरूरत है 1 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तैयार अगली नहीं बार होगा फोन फिर उठाना सर। बंद हाँ कर देगा। ये तो है सर अभी कोई मान लीजिए घटना हो जाए, उसमें आपका नाम आ जाए, पुलिस आपको पकड़ के ले जाए, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा काम आने, आप ही का अपना परिवार सिर्फ आएगा काम, तो मुसीबत वो में तो सर सिर्फ अपने लोग काम आते हैं। न सरकार से उम्मीद कीजिए, न और किसी से उम्मीद कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, वो तो मेहनत सही है सर कीजिए, जी अपने मेहनत से हासिल कीजिए। 69,000 में जो भी सिलेक्ट हुआ है उसने मेहनत किया है वो ना, तो है ही सर, मेहनत की है मेहनत से प्रॉफिट हासिल भी कर लिया है ना, अब उसको पैसों के लिए पैसा। किल्लत तो नहीं हो रही होगी कि 10,000 नहीं बस मिल रहा है। नहीं नहीं सर कहाँ, वो तो सही है तो आज से जो भी आप 8 घंटा 10 घंटा जो भी स्कूल में जा रहा है टाइम,
उसके अलावा 8 घंटा सोना हो गया, इसके अलावा और भी काम हो गए, फिर भी गए गुजरे में 3-4 घंटे रोज निकाल करके पढ़ाई कीजिए। आप पढ़ाई की रहेंगी तो कोई अधिकारी जांच करने भी आएगा तो कोई कमी नहीं निकाल पाएगा, पढ़ाई की रहेंगी कोई भी एग्जाम देना हो, इंटरव्यू देना हो, तो भी दिक्कत नहीं आने वाली है। भूल नहीं सर, तो है जाइए ये सब धरना, कोर्ट कचहरी, याची बनना, ये करना वो करना, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं जब सर, 12 जनवरी कुछ को धरना रखा गया था लखनऊ में, तब का भी पोस्ट उठा कर पड़ी, हमने कहा कुछ नहीं मिलेगा। फिर सम्मेलन हुआ है अभी, हमने तब भी जितने भी शिक्षा मित्र से बात हुई या पोस्ट लिखा, हमने सबसे हमने कहा आपकी इच्छा है जाइए, हम जाने से नहीं रोक रहे हैं भाई, वो आपकी इच्छा है, हम सिर्फ बता रहे हैं, समझा रहे हैं भैया उम्मीद मत करना कि हम जा रहे हैं तो कुछ मिल जाएगा, मिलने वाला नहीं है, ऐसे नहीं मिलता है कोई चीज। सर वो तो है ही है। आप ही बताइए, आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आए, दरवाजा खटखटाए, आप खोलिए और आपसे कहे कि भैया हमको जो है 1 लाख रुपए दे दो, आप दे देंगी? नहीं सर, 10-5 का होगा तो आदमी दे भी देगा, अब 1 लाख रुपए अच्छा कहाँ चलिए, एक देगा। भिखारी आ गया कि भैया भूख लगी है खाना खिला दो, एक ही भिखारी है, खिला देंगे कि वो नहीं? तो खिला अच्छा, ही और देंगे सर। खिला देंगे। अब वो भिखारी जाकर के अन्य लोगों को बताया, अगले दिन जो है 500 भिखारी आ जाए, सबको खिला देंगी? अरे नहीं सर, 500 कहाँ खिला पाएंगे, नहीं पांच खिला सौ खाना ही पाएंगे। यही बना है। आप फिर एक को भी खिलाने का नहीं सोचेंगी, भगाएंगी सबको, भागो यहां से तुम सब। वो तो है ये तो सर, अब एक को बताइए, खिलाए भीड़ लग गया। अरे अब बताइए कि धरना, तो है ही किसी के दरवाजे जाकर धरना देने से क्या वो आपको नौकरी दे देगा या आपके मानदेय बढ़ा नहीं सर। देगा? अरे सर, संविदा वाले भी तो बहुत हैं। तो वैसे ही अगर एक काम करेंगे शिक्षा मित्र के लिए, संविदा ये भी हैं तो इनका देखा देखी, जो भी हाँ तो वो रोडवेज तो में है ही बसों में सर। जो अरे गाड़ी बहुत चलाने लोग हैं, कंडक्टर हैं वो भी तो संविदा पर हैं, हॉस्पिटल बहुत में जो योजनाएं सारे चल रही हैं लोग वहां भी जाएंगे संविदा, वो भी मांगेंगे ना, फिर कैसे तभी आप लोग से हो उम्मीद करते जाएगी। हैं कि धरना करने से कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो तो है ही आप सर। ये तुलना कीजिए कि आपसे ऊपर की कक्षा में पढ़ा रहे हैं अनुदेशक, उनको आपसे कम मिलता है, हाँ वो तो है सर। उसके बावजूद जो है शिक्षा मित्र जो है कहते हैं कि 10,000 10,000 10,000, ठीक है मानते हैं कि 10,000 में बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन आप जिस जगह खड़े हैं, आपने खुद चुनाव किया है संविदा का, आपने सहायक अध्यापक का चुनाव नहीं किया था, आपने खुद वो वो तो चुनाव किया और आप वो चुनाव करके कह रहे हैं कि हमको कम दे रहे हैं, भैया अन्य की तुलना में आपको ज्यादा दे रहे हैं, जिस जगह आप खड़े हैं उसी से तुलना करेंगे ना, लेकिन शिक्षा मित्र किससे तुलना करते हैं? सहायक अध्यापक से। भाई कोई तुलना ही नहीं है शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक का, भले आप काम वही कर रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस पद पर हैं, वो आप तो संविदा है। पद पर हैं, और संविदा का मतलब है जिस दिन मन करेगा योजना बंद कर देंगे, कह देंगे भैया बस मेरा काम खत्म, तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरी योजना पूरी हो गई, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अरे संविदा छोड़िए, अमिताभ ठाकुर को देख लीजिए, वो इतने तो साल है से सर नौकरी कर रहे थे, आईपीएस थे अमिताभ ठाकुर, जी जिनका नाम ले रहे हैं उनके बारे में जी पता कीजिएगा अगर नहीं जानती हैं तो, परमानेंट जी थे, आईपीएस थे, सालों से नौकरी कर रहे थे, लेकिन सरकार के अनुसार नहीं चले, वो सरकार के खिलाफ वो काम कर रहे थे, उनको जबरदस्ती रिटायरमेंट दे के, फोटो देखिएगा, दो व्यक्ति उनका एक एक हाथ पकड़े हैं, दो व्यक्ति उनका पैर पकड़े हैं एक एक, और टांग करके ले जाके उनके घर फेंक कर आए हैं, बताइए। परमानेंट आईपीएस अधिकारी की यह हालत है, तो शिक्षा में तो उसके आगे क्या है भैया? वो तो है ये सर। सिंपल सा हम समझाते हैं, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे सहायक अध्यापक हो, चाहे कोर्ट में बैठा जज हो, सब नौकरी कर रहे हैं, नौकरी वही करता है जो नौकर होता है, वो तो है और जो सर। सैलरी देता है वो मालिक होता है। पता नहीं कहाँ से लोग कहते हैं कि हम शिक्षा मित्र हैं, अधिकार है, हम ये हैं, हमारा अधिकार, भैया अधिकार कहाँ से, तुम नौकर खुद बने हुए हो तो कौन सा अधिकार, नौकर कोई अधिकार होता है क्या? कोर्ट में बैठा जज भी नौकर ही है, हम सीधा सीधा बोलते हैं, कड़वा है वो लेकिन तो सच सही है है, सर। नहीं जज वो तो किससे सर सैलरी है ले ही, रहा है, नौकरी जब कर रहे हैं तो नौकर है ही है तो वो भी सरकार तो के। नौकरी ही कर रहा है ना जज। वो तो है ही है, अभी वो से मान लीजिए कोई मैटर है सरकार के खिलाफ, कोई चला गया कोर्ट में, तो वो तो है ही सरकार का है। नहीं सुनेगा या जो उसके खिलाफ गया है सरकार के उसका सुनेगा? वो तो है ही, जब नौकर हैं जो सरकार कहेगा उसके अनुसार से हमको चलना ही है। तो इस चीज को स्वीकार कर लीजिए कि कोर्ट वोर्ट से सरकार के खिलाफ जबरदस्ती आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगी, धरना देकर सरकार से कुछ हासिल जबरदस्ती कोई नहीं कर पाएगा। अभी बिजली वाले जो है हड़ताल पर गए थे, हाँ ठीक, सर, वो तो उनको 48 शांत करने घंटे के लिए जो भी कहना था कह दिए, अब देखिए जी जो जो हड़ताल पर गया था पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं बाहर, चलो निकलो अब तुम बाहर निकाल रहे हैं, उनके ऊपर केस हो रहा है, उनकी पेमेंट रोकी जा रही है, क्या मिला धरना करके, कुछ हासिल हो गया? जो नौकरी कर भी रहे थे वो भी अब जा रही है, वहां तो सीधे निकाल दे रहे हैं, बताइए। सब लोग तो गलत कहीं नहीं आश्वासन है, दे दिए। ये गलत लग रहा है भाई, उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उनको सिस्टम चलाना है,
आज एक की बात सुनेंगे, कल पूरे सब आएंगे, वो तो है ही तो फिर क्यों वो झुकेंगे? अगर आज आप जो है एक व्यक्ति को खाना खिला रही हैं, तो फिर तैयार तो रहिए, कल 500 आएंगे। 500 खिलाएंगे, खिलाएंगे, वो तो ही आएंगे ही सर। इसलिए जिसका हाथ पैर सलामत हो, जिसका दिल दिमाग सही हो, जो स्वस्थ हो, दरवाजे पर आ जाए, कितना भी वो भूखा हो, उसको कहिए मेहनत से कमाओ, हम नहीं खिलाएंगे तुम्हें। दया मत दिखाइए उस पर, दया दिखा दिखा करके ही जो है करोड़ों भिखारी घूम रहे हैं। वो भिखारी नहीं है, वो जानबूझ करके उस भेष में घूम रहे हैं। हाँ, उनको कुछ उस लायक रहते हैं, कुछ जानबूझ के आ जाते हैं उसी में। 1% शायद होंगे उस लायक, हाँ, ये तो ज्यादातर जो सही। है इसी टाइप के हाँ, हैं, जो कॉलोनियों देख के में, बन के आराम से इसे ऐसे ही कम मिल जाएगा तो काहे मेहनत करें। शहरों में, गांवों में, गलियों में, कॉलोनियों में जो चोरी हो रही है, कोई और नहीं करने आता चोरी, यही जो भेष में बदल बदल के कोई भिखारी बन करके, कोई साधु बन करके, हाँ, ये कुछ लोग ही बन करके जो कराते घूम हैं। रहा है, यही चक्कर लगाते रहते हैं, सारी जानकारी लेते रहते हैं, और फिर यही जो है चूना लगा जाते हैं। तो जो भी दरवाजे पर आए, क्यों भाई वो दरवाजे पर क्यों आ रहा है? अगर वो पुजारी है, अगर वो साधु है, तो कहीं बैठ कर तप करे, तपस्या करे, लोग जानेंगे उसको, खुद ही आएंगे उसके पास। वो दरवाजे तो पर है आया ही है मत सर। दीजिए कुछ। हम तो सीधा कहते हैं भाई, भिखारी हो चाहे साधु हो चाहे कोई आए, मत दीजिए, गलती से उसको जो है अंदर प्रवेश न करने दीजिए घर के। बाहर ही बाहर जो देना लेना अगर करना भी है, बाहर आपको दान पुण्य करना है, आप जाइए ना उनके पास, खोज करके उनको खिलाइए पिलाइए, दान कीजिए। लेकिन दरवाजे तक जो आ रहा है उसको मत दीजिए। अगर वो स्वस्थ है पूरी तरह से, तो कोई अगर परेशान है, परेशान मतलब ये नहीं वो वो रो ना तो रो करके कह रहा है तो मान लीजिए कि ये परेशान है, नहीं नहीं। नहीं सर, वो तो ही है, जो जिसके सही सही पास, आर्थिक। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जिसके पास दोनों हाथ नहीं है, जिसके पास दोनों पैर नहीं है, वो भी हाँ, काम कर नहीं रहा वो है, तो मेहनत है कर रहा अरे सर, है। वो तो ही है। तो कुल मिलाकर के समझिए, दुनिया को समझिए, सरकार को समझिए, हर चीज को, स्थिति परिस्थिति को समझिए, मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, सही जानकारी लीजिए। TT पास हैं आप, तो कुल मिलाकर के टेंशन फ्री रहिए, सुपर टेट नहीं देना है, ठीक है? पहले जी भी बिना सुपर टेट के होता था, वही काम अब भी होगा, कोई नया चीज नहीं होने जा रहा। कुछ लोग कहेंगे अरे सुपर टेट होने लगा है, कैसे कह रहे हैं बिना सुपर टेट के होगा? भाई उनसे कहिए पहले भी तो हुआ है, अब वही काम दोबारा गवर्नमेंट करने जा रही है, तो कौन सा आश्चर्य है? कोई जानता था तो कि जो नहीं है 68,500 में लिखित परीक्षा से होगा? उस वक्त लोग मानने को नहीं पता था, तैयार हो तो रहे थे, नहीं, वो तो सही है सर। कोई नहीं जानता था कि परीक्षाएं होने लगेंगी, होने लगा ना, जैसे वो हुआ अब ये भी होगा। सर, वो तो तो जैसे है ही। पहले BTC वालों की भर्ती हो गई, क्या वो स्पेशल थे जो उनकी भर्ती हो नहीं, गई? उन लोगों का तो अच्छा ही हुआ था कि जैसे इंटरव्यू डेमो नहीं था, लेकिन अब इस बार देखिए क्या होता है, नियम क्या इंटरव्यू लागू, डेमो हम पहले भी रिपीट किए कि अभी नियम में नियम शामिल नहीं नहीं किया लागू गया। है। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति जी में बताया गया है कि आगे हम क्या क्या करने वाले हैं, हाँ, करने वाले हो सकता हो, देखिए तो इसीलिए कह रहे हैं राष्ट्रीय निकल शिक्षा जाएगी नीति। वैकेंसी तो, हाँ, अगर इसीलिए कह रहे हैं वैकेंसी राष्ट्रीय निकल शिक्षा, गई। इसीलिए कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, तो आपको पता होगा कि आगे क्या क्या होने वाला है, उसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे। अगर आपको चलिए कोई ठीक है बता सर। दे भैया इस रास्ते पर आगे जो है एक कुत्ता है, पागल है, आप उस रास्ते जाएंगी क्या? नहीं नहीं रास्ता सर, बदल देंगी ना। वो तो ही सर। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी हो गई कि इस रास्ते पर आगे एक पागल कुत्ता है, वो हमको काट सकता है, नहीं नहीं सर, तो वो तो रास्ता ही बदल है, वो देंगी, क्योंकि आपको तो जानकारी ही हो है, गई। सही, वो तो ही है सर। ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसको समझिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार मंच से बोल चुके कि ये इसको बस ऐसे ही कोई सरकारी कागजात समझ के आलतू फालतू ना समझिए, इसको सभी शिक्षकों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको आप लोग पढ़िए, समझिए और लोगों को समझाइए, बताइए। लेकिन आप लोग पढ़ ही नहीं रही हैं, खुद नहीं जान रही हैं, तो कैसे लोगों को बताएंगी? बच्चों को कैसे बताएंगी कि क्या क्या जो है आगे क्या कैसे बदलाव होने वाला है, उनको किस चीज के लिए तैयार होना है? बच्चे भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं ना, वो तो है ही सर। तो बच्चों को भविष्य के लिए आप तैयार कर रही हैं, तो भविष्य पहले खुद देखिए, पढ़िए, जानिए, भविष्य को समझिए, उनको फिर उस हिसाब से तैयार कीजिए। चलिए, काफी लंबी बात हो गई, उम्मीद करते हैं आपको काफी बातें समझ में आई होंगी। नहीं सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी ठीक है, जागरूक होइए, ग्रुप से जुड़िए, सही जानकारी लीजिए, और अन्य लोगों को नहीं भी ग्रुप ये से चीजें। जुड़े हैं सर, तभी तो आपके पास ग्रुप से। अच्छा, चलिए जुड़ी हैं, अच्छी बात है। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह जो भी करेंट न्यूज है शेयर कर रहे हैं, जी, तो चूंकि भविष्य की चीजें हम बताते हैं तो तुरंत नहीं दिखेंगी, जब होगा तब दिखेंगी, चलिए ठीक है सर, ठीक है? ठीक, नमस्ते सर। नमस्ते।